this to happen. You cannot control everything. जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इस मूवी को OTT पे कब रिलीज किया जाएगा, इससे रिलेटेड मेरे पास आपके ढेरों सवाल आए, लेकिन अभी तक मैंने इस पर आपको कोई अपडेट वीडियो निकाल कर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कोई कंफर्म्ड अपडेट यहां पर मेरे पास नहीं आई थी। लेकिन अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है जिसे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, कहीं भी स्किप मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 या डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इस मूवी को दोस्तों सिनेमाज में रिलीज किया गया था 6 मई को, और जहां इसे इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया था। और दोस्तों पहले इस मूवी से एंटिसिपेशन काफी ज्यादा थी कि ये जो है बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस करने वाली है थिएटर्स में, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब इसके रिव्यूज आने चालू हुए तो जो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी कम हो गई। उसका रीजन ये रहा क्योंकि जो उन्होंने ट्रेलर्स इतने सारे दिखाए थे, एक तरीके से मूवी में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इससे भी शायद बहुत ज्यादा सीन्स होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस वजह से जो इसको पकड़ बनानी चाहिए थी मार्केट में इस मूवी को, वो ये नहीं बना पाई, और फाइनली लोगों ने इसे बहुत ही एवरेज फीडबैक दिया इस मूवी को। इसलिए अब लोग काफी सारे ऐसे भी हैं जो सिनेमा में इसे देखना नहीं चाहते और वो सोच रहे हैं कि इसका OTT रिलीज कब होगा और वो इसे घर पे बैठ के कब देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट अब निकल कर आ चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, डिस्नी प्लस का जो कॉन्ट्रैक्ट है मार्वल की मूवीज के लिए वो जनरली 45 डेज का रहता है, लेकिन यहां पर अब एक डेट अनाउंसमेंट टाइप की निकल चुकी है क्योंकि डिस्नी प्लस ने अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट किया था ट्विटर पे और मैंने भी उसे ज्वाइन किया था। वहां पर दोस्तों एक अपडेट निकल कर आई है कि इनकी लिस्ट ऑफ रिलीजेज में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की डेट एक्चुअली मेंशन हुई थी एक स्लाइड के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया और दोस्तों ये अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कंफर्म किया है कि डिस्नी प्लस पर इसे 24th of June को रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों इस पॉडकास्ट के रिलीज के बाद से इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं है क्योंकि ये लाइव जो सेशन चल रहा था उसी में आया था, लेकिन ये अपडेट वहां पर लिस्ट हो चुकी है। अब हो सकता है कि डिस्नी प्लस पर इसे 24th June को रिलीज किया जाए, लेकिन मैं आपको यहां पर ये भी बता दूं कि इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इसे हिंदी में इसके साथ ही रिलीज किया जाएगा। डिस्नी प्लस चैनली जब मूवीज को रिलीज करता है तो वो डिस्नी हॉटस्टार पर भी हिंदी में रिलीज होती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन डिस्नी प्लस ने नहीं दी है कि क्या ये डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर भी हिंदी में एक साथ ही रिलीज होगी। लेकिन डिस्नी प्लस पर इसे इंग्लिश में बहुत जल्द रिलीज किया जा रहा है और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 24th of June। तो अगर आप इंतजार कर रहे थे दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को टीवी पर देखने का, तो फिलहाल इंग्लिश की ऑलमोस्ट इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है जो है एंड ऑफ जून, यानी कि 24th June के आसपास ये मूवी आपको डिस्नी प्लस पर देखने को मिल जाएगी। डिस्नी हॉटस्टार पर ये हिंदी में कब रिलीज होगी अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा ताकि ऐसी और अपडेट आपके लिए लाता रहूं। और आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हिंदी में कब रिलीज होने वाली है इसकी इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों मेरी चैनल पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।